नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार में। उत्तर बिहार का केंद्र दरभंगा, जिसे मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है, जिसे अब बिहार की उपराजधानी बनाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा को बिहार की दूसरी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा उन तमाम तथ्यों को भी बताया जा रहा है, जिस आधार पर दरभंगा को बिहार की उपराजधानी बनाया जा सके। आपको बता दें कि दरभंगा के छात्र संगठन से जुड़े कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है, उत्तर बिहार की पहली ट्रेन सबसे पहले 1875 में दरभंगा से ही चली थी। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर खुला था। साथ ही उत्तर बिहार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी पूसा भी 1905 में यहीं पर खोला गया था। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार में वायुयान भी सबसे पहले दरभंगा से ही उड़ा था। इसमें आगे लिखा है कि दरभंगा पहले भी उत्तर बिहार का केंद्र था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हालांकि इन तमाम तथ्यों को सरकार कितना तवज्जो देती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से दरभंगा में लगातार विकास से जुड़े कार्य हुए हैं, चाहे वो फिर एयरपोर्ट चालू होने की बात हो या फिर बिहार का प्रस्तावित एम्स के लिए स्वीकृति मिलने की बात हो, इन सभी के लिए दरभंगा को चुना जाना काफ़ी गर्व की बात रही। बहरहाल, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है अवश्य बताइएगा। और मिथिला साथी दरभंगा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।